एवरीवन नमस्ते। तो आज मैं क्रिएट कर रही हूँ ये ईद मेकअप लुक गर्ल्स के लिए, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि मैं एक बिलो 500 रुपीज़ मेकअप लुक क्रिएट करूँ कि नहीं ईद के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने हाँ बोली थी। तो आज मैं ये मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। और इस बार फिर से मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करा है अपने आई मेकअप के साथ। मैंने ग्रीन आईलाइनर यूज़ करा है, ब्लू मस्कारा यूज़ करा है, तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा ये कैसा लग रहा है। और ये मेकअप बहुत ही अफोर्डेबल होने वाला है, तो जिन लोगों को भी अफोर्डेबल मेकअप यूज़ करना पसंद है तो वो इसे सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं जो मैं यहाँ पे आज यूज़ करने वाली हूँ। और अच्छी लग रही होंगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज़ यूजुअल स्टार्टिंग ऑफ विद द प्राइमर, मैं यहाँ पे मिस रोज़ का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये सिलिकोनी प्राइमर है एंड इट इज़ सूटेबल फॉर एवरी स्किन टाइप। तो ये भी मेरे ख्याल से अराउंड 250 या 300 रुपीज़ का है, तो बहुत ही अफोर्डेबल है। और इसके बाद अपने बेस के लिए मैं ये पॉन्स की बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसका प्राइस सिर्फ 85 रुपीज़ है। थोड़ा सा ये मेरे स्किन टोन के लिए लाइट लगता है, पर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद और फिर सेटिंग पाउडर से अगर लगा लूँ, इसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा लूँ तो थोड़ा ठीक हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट विद अ ब्रश। और ब्रश तो वैसे ही मुझे ब्लेंड करना पसंद नहीं है, बट स्टिल आई एम यूजिंग इट क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने ब्लेंडर यूज़ कर लिया है, दैट्स द ओनली रीज़न। और मैं इसे अपनी फिंगर से भी थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, जैसे कॉर्नर्स पे ना ब्रश अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाता है बेस को, तो मैं अपनी फिंगर्स यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैं ये ADS का बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ टू सेट माय बेस, टू सेट दी बीबी क्रीम। और इससे थोड़ा सा मैटिफाइड लगेगा क्योंकि बीबी क्रीम ना ऑयली स्किन के लिए इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, तब भी थोड़ा सी चिपचिपाहट रहती है फेस पे, तो पाउडर अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। और कुछ सेकेंड्स के बाद मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी कबूकी ब्रश की हेल्प से। और मैंने नेक पे भी थोड़ा सा पाउडर इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैं ये अपना फेवरेट आई शेडो पैलेट में से ये ऑफ वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। मैं इसे आई शेडो से पहले यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा आई शेडो अच्छे से अप्लाई हो जाए स्मूथली। उसके बाद मैंने ये टोपी ब्राउन कलर लिया है और इसे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा अपनी ये लोअर लैश लाइन पर भी मैं इसे लगाऊँगी। और इसके बाद मैंने ये पीची कलर यूज़ करा है और इसको मैंने आउटर साइड में लगाया है क्योंकि ये मेरे सूट से थोड़ा मैच होता, तो बस इस वजह से थोड़ा सा मैं ऊपर की साइड से इसे अपवर्ड साइड से मैं क्रीज पर लेते हुए आई हूँ। और थोड़ा सा नीचे भी मैंने सेम कलर को पूरी लैश लाइन पे यूज़ करा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्राइट आई लुक चाहिए था इस वजह से। और इसके बाद मैं ये ब्लू हेवन का आई शेडो यूज़ कर रही हूँ ब्लू, पर इसका कलर पे ऑफ इतना अच्छा नहीं है, तब भी बहुत ही मुशक्क़तों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और मैंने इसे इनर साइड में हाफ पोर्शन पे लगाया है ताकि थोड़ा सा तो कुछ तो कलर दिखे, पर ठीक है, ठीक ठाक ही लग रहा है, इतने अच्छे से कलर तो इतना पिगमेंटेड है नहीं। और इसके बाद मैंने ये लाइट ब्राउन कलर यूज़ करा है पूरे आई मेकअप को ब्लेंड करने के लिए। तो जो भी है मेरी क्रीज लाइन पर है मैं उसे ब्लेंड कर लूँगी। और इसके बाद मैंने म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर यूज़ करा है और इससे मैं एक विज्ड आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। और ये मुझे बहुत ही मुश्किल काम लगता है ब्रश से आईलाइनर लगाना, पर लग गया अच्छे से और बहुत ही अच्छा लग रहेगा ये फाइनल जो इसका लुक आएगा ना, सो ग्रीन एंड ब्लू, सो इट वॉज लुकिंग रियली ब्यूटिफुल। पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। और फिर इसके बाद मैंने ये ब्रश लिया है और नीचे जो भी एक्सेसिव पाउडर था या आई मेकअप गिरा है तो वो उसे क्लीन करने के लिए। और इसके बाद मैंने कोलोसल काजल से अपनी लोअर लैश लाइन पे, हाफ लोअर लैश लाइन में आउटर साइड में थोड़ा सा काजल लगाया है। उसके बाद मैंने आइकॉनिक मस्कारा यूज़ करा है ब्लू कलर का लैकमे का, ये भी बहुत ही अफोर्डेबल है, शायद 350 रुपये का आता है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है ये। निक्स में भी ब्लू आता है पर ये वाला ज़्यादा अच्छा है लैकमे का। तो लोअर लैश लाइन और लोअर लैशेस और अपर लैशेस दोनों पे लगा लिया मैंने। और ये ब्राउन और ब्लैक कलर में मिक्स करके अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी, जो मेरा बहुत ही फेवरेट तरीका है आईब्रोज को फिल करने का, बहुत ही सुंदर नेचुरल लगती है आईब्रोज इससे। और फिर मैं ये ब्लश यूज़ कर रही हूँ सिवाना का और इसे मैं एप्पल ऑफ द चीक, जो हमारी चीक्स का जो कहाँ पे जैसे बड़े बड़े जहाँ पे चीक्स लगते हैं वहाँ पे लगाया है। और उसके बाद मैंने ये शेड यूज़ करा है शुगर का स्मज मी नॉट ड्रॉप डेड रेड, बहुत ही सुंदर कलर है ये, हर स्किन टोन पे अच्छा लगता है। और ये है फाइनल लुक,
जो मुझे बहुत पसंद आया। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे आउटफिट से बहुत ही मैच कर रहा था अच्छे से, एंड आई वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैं बोर हो गई थी जो सेफ कलर्स यूज़ कर करके आई मेकअप के लिए। तो मैं अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ, और फाइनल रिज़ल्ट अच्छे ही निकलते हैं किस्मत से। तो पसंद आई हो ये वीडियो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मेरे ईयरिंग्स और जो मैंने रिंग पहनी है वो मैंने जीके से ख़रीदी थी। ईयरिंग्स का प्राइस है 150 रुपीज़, रिंग का प्राइस है कितना, 100 रुपीज़, और सारा मेकअप 500 के बिलो है। एंड दिस इज़ द आउटफिट विच आई एम वेयरिंग, दिस इज़ फ्रॉम मिंत्रा, इस पर डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने ये 750-850 का ख़रीदा था। लिंक मिलेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय, टेक केयर।